हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे। तो अभी हम हैं दिल्ली गेट और यहाँ से जा रहे हैं हम बुराड़े। दो जगह भाई तगड़ा वाला ट्रैफिक मिलता है, एक आपका कश्मीरी गेट पे, एक आपका मौजों के टीले पे। तो अब गोप्रो भी ख़राब हो रखा है, डिस्प्ले कुछ दिख नहीं रही। तो बस भाई मैं बना रहा हूँ वीडियो, अब मुझे आइडिया नहीं है कि वीडियो आएगी नहीं आएगी। बाकी मैंने गोप्रो को रिप्लेसमेंट के लिए डाल दिया है, और कैसे रिप्लेसमेंट डाला है, क्या क्या उसमें होता है, रिप्लेसमेंट कैसे करनी होती है, वो इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, वो सब दिखाऊंगा। लेकिन आज मैंने पोस्ट किया नहीं है क्योंकि मेरे पास गोप्रो का सारा सामान था नहीं एक्चुअली, और उसका कवर नहीं था क्योंकि मैंने गोप्रो का एक केस आता है जिसमें हम अपनी माइक वाइक फिट कर लेते हैं, उसी चक्कर में उसका कवर निकाल रखा था। तो इसीलिए अभी जाएंगे सर, कल करेंगे पोस्ट क्या क्या चीज़ फीचर है उसमें, सब आपको बताएंगे। आज सुबह भी मैंने वीडियो बनाई थी, भाई कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ यार। मतलब मतलब ये मान के चलो पता नहीं क्या हुआ उसमें, उसने टाइम लैप्स ले लिया क्योंकि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था उसमें, रिकॉर्डिंग में कुछ दिख ही नहीं रहा था कि कैसे करना है रिकॉर्ड। तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट टाइम लैप्स ले लिया यार, मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। फिर बताओ कुछ दिखेगा तभी तो मैं कुछ करूँगा, कुछ दिख ही नहीं रहा। और बाकी यार अगर गोप्रो रिप्लेस हो गया और आ गया भाई साहब, राइड होगी ज़बरदस्त। जैसे अभी गोप्रो तो स्टार्ट हो नहीं रहा, जब मैं मॉर्निंग में इसे स्टार्ट करता हूँ ना तब ये स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी देर के बाद इसका डिस्प्ले ख़त्म हो जाती है। मतलब मैं डिस्प्ले से कुछ इसको देख नहीं सकता, और ये गाड़ी वाले ने क्या कर दिया यार। कल का इंतजार है, कल वापस भेजना है इसको, फिर कब जाएगा, कब पहुँचेगा, कब वापस आएगा ये देखना पड़ेगा। कोई नहीं, और उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। सबसे एक्सट्रीम राइट निकलने का फ़ायदा है मुझे ऐसा लगता है, आज निकल के देखते हैं क्योंकि जहाँ से भी जा रहे हैं ना वहीं ट्रैफिक हो रहा है। तो आज सबसे राइट से निकल के देखते हैं, तो आज मुझे लग रहा है सबसे राइट में ट्रैफिक होगा, ये मेरी सिक्स चांस बोल लिया। क्योंकि हर बार ऐसी होता है जहाँ से जाओ ना वहीं ट्रैफिक होता है। ये वाला बहुत रिस्की है, ये जो फ्लेवर आता है ना जैसे, ये वाला रिस्की है क्योंकि यहाँ ऊंचाई में ना मैं कॉर्नर से इसलिए निकाल दूँ कि बीच में ना भाई बहुत सारे गड्ढे वड्ढे अनयूजल मतलब कि बम्प्स हैं, इसीलिए कॉर्नर से निकालो स्मूथली निकालो। वैसे तो भाई डेली ठंड लगती है, आज इतनी ठंड मुझे लग नहीं रही, मुझे लग रहा है भी नहीं है इसलिए नहीं। वैसे ठंड तो है लेकिन क्या हुआ, हमें ट्रैफिक में ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा ना, ट्रैफिक में ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा, सट सट से निकल गई बाइक। ये रिस्की वाले थोड़े बेकार से रहते हैं यार, रिस्की रहते हैं पूरे, बता इंडिकेटर देते हैं यार, कॉर्नर में चल रहे हो जाना तुम्हें यू टर्न लेना नहीं है तो भाई इंडिकेटर दो ना भैया कि आप इस गोला के नहीं हो। ठीक